जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर होगा 4। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही इजी है। ठीक है, खाली ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना था हर एक पोजीशन के एलिमेंट को। ठीक है, तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा, बट हम जो इस वीडियो में बताएंगे वो उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, एक बार मैं एग्जांपल लेके समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो क्लास 12th में उसको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट को लिखते हैं। ठीक है, अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो है दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, किसी नंबर या फिर किसी कोई नंबर से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर दूसरा नंबर जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, टू मैट्रिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स है, ठीक है, वो स्केलर है, मतलब डायरेक्ट कोई नंबर या वैल्यू देगा उसको मल्टीप्लाई करना। तो ये इतना इजी है, थोड़ा यहाँ पे इसमें थोड़ा टफेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, यही फॉर्मेट ना, मैट्रिक्स से पहले फॉर्मेट लिखना बहुत जरूरी। तो अब क्या लिखेंगे, सपोज करो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, के के साथ k इनटू a कर देते सबसे। ठीक है, ये जो है तुम्हारा स्केलर है, मतलब इसको नंबर है। ठीक है, सपोज करो एक एग्जांपल लेते, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 3+3 का मैट्रिक्स को लेते हैं और मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्केलर है तो उतना ही नहीं। सपोज करो 5a, k का वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्केलर का 5 है, और 5 को मल्टीप्लाई करना है किसमें, कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स लेंगे, 3:3 का लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, 6 7 9 5 4 7 3 2 1, ठीक है, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, अपना दिया रहेगा तो वहां पे मल्टीप्लाई करें, जो बॉक्स में डिवाइड है उससे मल्टीप्लाई। तो एम क्रॉस कितना है, 3x3 का मेरा मैट्रिक्स है, मतलब रो जो है 3 है और कॉलम भी कितना है यहां पे, 3 है। तो कुछ नहीं करेंगे यहां पे, ईच एलिमेंट्स को इस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लिसन केयरफुली, ईच एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 से ईच एलिमेंट्स को, 5 × 6 कितना हो गया, 30। ठीक है, अब देखो 6 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 35। 9 5 = 45 5 5 = 25 5 4 = 20 5 7 = 35 और 5 3 = 15 5 2 = 10 5 1 = 5 देखो, ईच एलिमेंट को क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई किए हैं स्केलर से, तो जो वैल्यू आया वो कितना आया मेरा, यही आया, यही था मेरा स्केलर मैट्रिक्स, इसका प्रॉपर्टी 2। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज है देखो, ठीक है, पहला है कि तुम्हारा जब दो मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई किया कोई स्केलर मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स लिखे हैं ए और बी, 2x2 होगा, 2x2 जो भी हो, 2x2 इसका भी 2x2 होगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है सारा स्केलर जो है हर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के ए प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इंटू, ठीक है, जे इंटू ए लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ये दोनों क्या स्केलर है, दो स्केलर है, तो दो स्केलर को के जे बाहर ले लो और बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है,
सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब करने का मतलब यहाँ पे 3 × 2 है, 6 इंटू सारा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार ले लिया, उधर मैट्रिक्स लिख दिया। तीसरा प्रॉपर्टी है कि माइनस के, ठीक है, माइनस के कोई स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस के इसका वैल्यू होगा, के को बाहर ले लेंगे, माइनस को अंदर कर देंगे, ये भी तो हो सकता है, एक ही मल्टीप्लाई फॉर्मेट में। यदि इस तरह का है कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एम क्रॉस एन का, ठीक है, के कोई स्केलर होगा, के स्केलर है तभी जाके कंडीशन, मतलब ए जो है तुम्हारा ए आई जे है एम क्रॉस एन, ठीक है, इसलिए इसके साथ जो ए है तो इसके साथ ये माइनस नहीं, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह का ये लॉग इक्वालिटी वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहां पे था स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा नंबर में, ठीक है।